हो गई मैडम की सुबह। तबीयत थोड़ी डल थी, उठने का दिल ही नहीं चाह रहा था। जुनैद भाई को फोन करके बताया तुमने? उन्हें क्या बताना था? यही कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, दौड़े चले आते तुम्हारे पास। अपने हाथों से हो सकता है तुम्हें नाश्ता बना के खिलाते, या फिर कहीं नाश्ते पे बाहर ले जाते अपने साथ, जैसे सबके सामने तुमने रात को सीन क्रिएट किया था। मैंने कोई सीन क्रिएट नहीं किया था, मेरा वाकई मूड नहीं था। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी, इतना अजीब सा। तुम भी मुझे बेऔलादी के ताने दोगी? नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कोई ताना नहीं दे रही हूँ, मैं बस बात कर रही थी जनरली। ये जनरल सी बात नहीं थी बीना, तुमने मुझे एहसास दिलाया मेरी महरूमी का। हाँ, मुझे कैसे पता होगा? ठीक ही तो कह रही हो तुम, मैं कब ऐसी सिचुएशन से गुजरी कि मुझे पता हो दिल कब क्या चाहता है, अजीब सी तबीयत क्यों होती है? आप ज्यादा सोच रही हो। हाँ, मैं ज्यादा सोच रही हूं। तुम जो ये हरकतें करती हो ना, जुनैद भाई को देखकर उन्हें अपने साथ एंगेज करने के लिए जानबूझ के सबके सामने जताने की कोशिश करती हो कि तुम सबसे ज्यादा अहम हो और बाकी सब आम, इसे जताना ही कहते हैं। समझी तुम? माँ, वो क्या बात है? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ बेटा। दरअसल इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं अनु के लिए घर ले सकूं। क्या कह रहे हो बेटा? तुमने खुद ही कहा था ना कि अनु को गिफ्ट करना है, इतना हक तो अनु का बनता है ना बेटा। इतना क्या माँ, सारे हक उसके हैं, आखिर को इकलौती बहन है हमारे। क्या क्या नहीं सोचा था उसके लिए, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है। लेकिन जैसे ही हालात बेहतर होंगे मैं पहली फुर्सत में उसके लिए घर ले लूंगा। एक्सक्यूज मी। हाँ फराज यार, एक प्रॉब्लम हो गया है। बीना, क्या हुआ आपको? बैठिए आप आराम से। मैं ठीक हूँ, बस चक्कर आ गया था। अगर आप ठीक होती तो चक्कर ना आता। कुछ खाया आपने? नहीं, किचन में ही जा रही थी, काफी देर से सोच रही थी, बस हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अच्छा, अभी यहाँ बैठी, मैं कुछ करता हूँ आपके लिए। आप क्या करेंगे? I'll do something. Just relax, okay? I'll be back. ये देखो, ये बैंकुट पसंद किया मैंने शादी के लिए। मैं तो सोच रही हूँ कि मेहंदी के लिए भी यही बुक करवा लूँ। अच्छा है, पर काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। एक्सपेंस की फिक्र तुम मत करो, वो जुनैद भाई देख लेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जुनैद भाई एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो?
वो कुछ लॉसेस हुए बिजनेस में। तो क्या हुआ, लॉस तो होते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका फर्क जुनेद भाई मेरी शादी पे पड़ने देंगे। तुम देखना कितनी धूमधाम से होगी मेरी शादी। जूस पियो ना। So, eight. Yes. Okay. जुनेद तुम्हें घर नहीं गिफ्ट कर सकता। क्या मतलब है आपका? तुम रुखसत होकर नए घर में नहीं बल्कि रुखसाना के टूटे फूटे घर में जाओगी। ये क्या बात कर रही है अम्मी आप? मैं उस घर में कैसे रहूंगी जो घर इतना छोटा हो, जिसके कमरे उससे भी ज्यादा छोटे। मैं अभी जाके भाई से बात करती हूँ। क्या बात करोगी जाके? यही कि बीवी पर लौटाने के लिए उनके पास बैंक बैलेंस मौजूद है, और बात जब इकलौती बहन की खुशियों की आई तो उनका बैंक बैलेंस खाली हो गया। एक घर नहीं दे सकते हो मुझे? मैं भाई से बात करूंगी। कोई फायदा नहीं। जुनेद का दिल तब बड़ा था जब वो बेटा था। शौहर बनते ही उसका दिल छोटा हो गया। अब उसे अपने बीवी बच्चे के सामने कुछ दिखाई नहीं देता, ना तुम ना मैं। जिस बच्चे के लिए अपनी बहन का हक मार रहे हैं ना भाई, मैं उस बच्चे को ही खत्म कर दूंगी। नहीं, ये गुनाह है बेटा। इसमें उस नन्ही सी जान का क्या कसूर? तो इसमें मेरा क्या कसूर है अम्मी, जो भाई मेरी खुशियों को फीका कर रहे हैं? मैं बात करती हूँ ना जुनेद से। उनके पास कई ऐसे एक्सक्यूज होंगे जिससे वो खुद को जस्टिफाई कर लेंगे। सच तो ये है अम्मी कि भाई बदल गए हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं। जाहिर है अपनी फैमिली के सामने हमारी वैल्यू सिफर हो गई है। अपनी औलाद होने से फैमिली अलग तो नहीं हो जाती? हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। और आज नहीं लेकिन कुछ दिनों बाद आप मेरी ये बात मानेंगी। कल से घर में मातम जैसा माहौल है, और तुम्हें देखो कैसे अपनी रूटीन बनाई हुई है, ऐसे जैसे तुम्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो। अम्मी, मुझे चक्कर आ रहे थे इसलिए। चक्कर में तो तुमने मेरे होनहार बेटे जुनेद को डाल दिया है। ऐसे सब्ज कदम है तुम्हारे जैसे इस घर में पड़े हैं, जुनेद के बिजनेस को तबाह करके रख दिया है। मेरी तो कोई गलती नहीं अम्मी, वो तो असद भाई। सुन रही हो अपनी बहन की बातें? सारा का सारा मलबा असद पे डाल रही है, जबकि हकीकत ये है मर्द के नसीब में औरत के नसीब से पैसा आता है। जो हुआ उसे देखकर तो लगता है कि तुम्हारे नसीब की सख्तियां हैं जो मेरे जुनेद को मुश्किल में डाल रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, इस बात के खुद गवाह हूं मैं। तुम्हारे आने से पहले इस घर में बहुत सुकून था, हर तरह का सुकून। आपको भी लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? क्या बात है सर? अगर मैं रेजिग्नेशन दे देता तो शायद भरम रह जाता।
मेरी नजरों में जो भाई का मान था वो बच जाता। असद क्या हुआ है? फरहान ने जब मुझे बताया कि तुम ऑफिस से अपसेट निकले हो तो मैं तो सब छोड़कर आ गई। क्या हुआ है? बात तो कुछ भी नहीं हुई, बस भाई के अंदाज ने मुझे एहसास दिला दिया। कैसा एहसास? खुलकर बताओ। यही कि अगर मैं इस कंपनी में रहा तो ये कंपनी नहीं रहेगी। ऐसा भाई ने कहा है? उन्होंने अपने मुंह से तो नहीं कहा, लेकिन उनके अंदाज से, उनकी बातों से, उनकी इनसिक्योरिटी से पता चल गया मुझे कि भाई नहीं, पीना की सोच है। तुम जानते हो भाई ने मुझे घर देने से मना कर दिया। और जब मैं ये बात करने के लिए भाई के पास गई तो मैंने खुद अपने कानों से सुना कि बीना उन्हें मना कर रही थी। और पता नहीं तुम्हारे बारे में भी कोई बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी वो? कि असद पे जिम्मेदारी डालना बेवकूफी है, उसे बाहर निकाल करें। ऐसा भाभी ने कहा? हाँ, मैंने अपने कानों से सुना। और तो और उसने इस घर और कारोबार पर कब्जा कर लिया। उसे लगता है कि भाई का सारा बिजनेस उसकी औलाद रन करेगी जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आई। पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करके बैठी हुई है। और भाई भाई उसकी हर बात पर आंखें बंद करके ईमान ला चुके हैं। हम सबको परेशान करके तुम यहां कितने इत्मीनान से तैयार हो रही हो? मैंने क्या किया? और तुम ये अपना ड्रामा ना बंद कर दो। तुम्हारे कहने पर जुनेद भाई ने असद को जॉब से निकाल दिया, अनु को घर गिफ्ट देने से मना कर दिया, और इस सब के पीछे तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टियों का हाथ है। नहीं, मैं ऐसा कुछ क्यों कहूंगी? अन्नू ने ये सब कुछ तुम्हें खुद सुनाया जुनेद भाई से कहते हुए। एक बार भी नहीं सोचा अन्नू की खुशियों के बारे में। हर तरह से ख्याल रखती है वो तुम्हारा, तुमने उन्हें भी नहीं छोड़ा। घर से मौका मिलते ही उनकी खुशियां बर्बाद कर दी। मैंने कुछ नहीं किया, पर आपको तो आदत हो गई हर बात का इल्जाम मेरे सर डालने की। घर में कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आप उसका कसूरवार मुझे ठहरा देती हैं। जबकि इसका उलट हुआ है। इस घर में जितना बुरा आपने मेरे साथ किया है ना, उतना बुरा किसी ने बुरा तो अभी तुम्हारे साथ हुआ ही नहीं बीना। लेकिन अब तुम देखोगी कि तुम्हारे साथ क्या होगा। क्योंकि अन्नू की हमदर्दी तुम खो चुकी हो।